It's the best chicken malai tikka I have ever had. Not even kidding. Chicken seekh kebab. Ye tandoori chicken. ये कौन सा है? ये अफगानी रॉ है, ये हाफ डन. अच्छा ये हाफ डन. अच्छा ये रॉ. तो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ फुल बांगश वाले, विच स्पेशलाइजेस इन फिश एंड चिकन. थोड़ा नाम इनका कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इनकी सेल ज़बरदस्त है. मेरे खड़े खड़े बहुत ऑर्डर्स आए हैं, एंड इनकी सारी रिकमेंडेशन पे जो इन्होंने बेस्ट सेलिंग बोली है, मैं वो ट्राई करने वाली हूँ. एंड सब चिकन है. सो सॉरी वेजिटेरियंस, वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, बट इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू कैन कम एंड ट्राई. सो लेट्स सी इज़ इट वर्थ इट और नॉट. ये इनका अफगानी चिकन है. इसकी मैरिनेशन क्या रहती है? अच्छा सिर्फ क्रीम. ये इनका चिकन सीख कबाब. ये तंदूरी चिकन. ये कौन सा है? ये अफगानी रॉ है, ये हाफ डन. अच्छा ये हाफ डन. अच्छा ये रॉ. और ये फिश तंदूरी फिश. मौसम आ चुका है विंटर्स का, तो तंदूरी फिश खाने आप लोग आ सकते हो. इनके पास फिश फ्राई भी है और चिकन फ्राई भी है. ये आप देखो यहाँ पे चिकन फ्राई की इनकी और फिश फ्राई की प्रिपरेशन हो रही है. वाह, ये है फिश फ्राई. ये हमारा चिकन तंदूरी है और ये हमारा चिकन मलाई टिक्का. सो जो तीनों चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो आ चुका है. मेकिंग हम थोड़ी शूट नहीं कर पाए, लेकिन खाना दिखने में एंड इस जगह की पॉपुलैरिटी के हिसाब से खाना बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. ये है चिकन सीख कबाब, 2 पीसेज हैं इसमें, एंड ये है 120 रुपीज़ की प्लेट जो काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है. ये है इनका फिश पकौड़ा, दिस इज़ फॉर 240, एंड ये है इनका चिकन मलाई टिक्का जो है 200 रुपये का. पीछे बहुत शोर आ रहा है, सो प्लीज़ बेयर विद मी. एंड साथ में ऑर्डर किया रुमाली रोटी. सो सबसे पहले चिकन सीख कबाब बिना नींबू के अच्छा नहीं लगता है. सो थोड़ा सा नींबू इस रुमाली रोटी. अगर मैं चिकन सीख कबाब की बात करूँ, चिकन सीख कबाब जेन्युइनली बहुत टेस्टी हैं. इन्होंने सीक्रेट जो कह रहे हैं, इनकी रेसिपीज़ बहुत सीक्रेट हैं, एंड वो काफ़ी पता चल रहा है. जगह की पॉपुलैरिटी देखकर मैं आई तो कहीं और शूट करने थी, लेकिन यहाँ शूट करा हमने. सो आई थिंक द डिसीजन वॉज वर्थ इट. चिकन सीख कबाब जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे थोड़ा डॉगी है, मुझे बहुत डर लगता है डॉग से. सो कमिंग बैक टू दिस, आई क्वाइट लाइक दिस. दिस इज़ वर्थ 120 रुपीज़. इट्स यम, एंड चटनी और प्याज के साथ तो मज़ा आ गया. नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ फिश फ्राई. आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 6 पीसेज हैं. ये फिश फ्राई के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा मसाला डाला हुआ है, आप देख सकते हो. बहुत गर्म है, थोड़ी चटनी के साथ. यम. मैं फिश ऑर्डर करने नहीं वाली थी, लेकिन इनके रिकमेंडेशन पे मैंने फिश ऑर्डर किया है. बहुत टेस्टी है, नॉट इवन किडिंग, बहुत टेस्टी है. विंटर्स आ चुकी हैं, आप लोग दिल खोल के फिश खा सकते हो. एंड दिस इज़ यम यार. मतलब जो मसाले हैं, जो टेस्ट है, बहुत सटल है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन बहुत होम फील है. मतलब बहुत देसी है. सर्दियों में यहाँ पे आने का अलग ही मज़ा होगा. जनरली बहुत टेस्टी है, 240 रुपये का. थोड़ा एक्सपेंसिव, बट आई अंडरस्टैंड फिश है सो इट विल बी एक्सपेंसिव, बट इट्स यम. ऊपर से आप चाहो तो थोड़ा और मसाला डलवा लो, जो मैं अभी और डलवाने वाली हूँ. अलग फ्लेवर है, बहुत अच्छा है. जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो मैंने सबसे लास्ट में ट्राई की है बिकॉज ऑफ आशीष. बिकॉज ये लड़का इतना परेशान करता है मुझे. एनी वेज थोड़ा सा नींबू यार. इन्होंने तीनों चीज़ों पर ये मसाला डाला हुआ है, इसी का मुझे लग रहा है असली फ्लेवर इसी का ही है. इट्स द बेस्ट चिकन मलाई टिक्का आई हैव एवर हैड, नॉट इवन किडिंग. इतने अच्छे से कुक हुआ हुआ है, इतना जूसी चिकन है, उसके ऊपर से क्रीम इतनी सटल डाली हुई है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा. जैसे बहुत जगह जो ये मलाई टिक्का में एकदम क्रीम के अंदर उसको लत देते हैं, मक्खन के अंदर बहुत सटल फ्लेवर्स हैं. एकदम जूसी है, परफेक्टली कुक चिकन है, उसके ऊपर मसाला डाला हुआ है. इट्स द बेस्ट, आई एम नॉट इवन किडिंग. मैंने इससे बेटर चिकन मलाई टिक्का नहीं खाया है. एंड ये है 200 रुपीज़ का, विच इज़ 8 पीसेज, विच आई थिंक इज़ टोटली वर्थ इट. इट्स यम. अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रही हूँ, खाना बहुत टेस्टी है, सारा मुझे ख़त्म करना है. आई कैन ईट दिस
इट इज़ जेन्युइनली वेरी नाइस, यू हैव टू कम टू दिस प्लेस. मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ना यूट्यूब पे ना इंस्टा पर. ये मैं ऐसे चलते चलते तिलक नगर की मार्केट में घूमते घूमते मिल गई है ये जगह. एंड खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा है, प्राइसेस थोड़े हाई हैं बट द क्वालिटी द क्वान्टिटी एंड द टेस्ट इज़ वर्थ इट. वीडियो कर रहे हैं ख़त्म क्योंकि आशीष को भी खाना है. सो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एंड ये जगह ज़रूर आना.